नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे मेरे कलेक्शन के 100 रुपए के बैंक नोट्स के बारे में। मेरे कलेक्शन में 11 अलग अलग तरह के 100 रुपए के बैंक नोट्स हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगा। स्वतंत्र भारत के सबसे पुराने 100 रुपए के नोट आज के 100 रुपए के नोटों से काफ़ी बड़े थे और इनकी साइज़ 171x107 mm की हुआ करती थी। हालांकि मेरे पास में बस तीन तरह के ये नोट हैं, लेकिन ऐसे नोट कई तरह के इशू किए गए थे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने 100 रुपए के नोट के साथ, जो कि 1949 से लेकर 1957 तक, यानी 1949 से लेकर 1957 तक इशू किया जाता रहा। इस नोट पे RBI गवर्नर बेनेगल रामाराव के सिग्नेचर्स हुआ करते थे और सामने में 100 रुपीज़ 100 रुपये लिखा हुआ था। इससे पहले जो 100 रुपये का नोट इशू किया गया था, वो भी बेनेगल रामाराव ने ही इशू किया था, जो कि भारत की आज़ादी के ठीक बाद में इशू हुआ था, जिसमें 100 रुपीज़ या 100 रुपये की जगह रुपया लिखा हुआ था। लिखने का चलन ब्रिटिश ज़माने से चला आता रहा था, इसीलिए भारत की आज़ादी के बाद वैसे ही नोट छपते रहे। बाद में बेनेगल रामाराव के ही समय में उन्होंने नोटों पर ये सुधार किए थे। इस नोट के पीछे में दो हाथियों की तस्वीर बनी हुई थी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में 100 रुपये लिखे हुए थे। बाद में इश्यू किए गए 100 रुपये के नोट भी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग था। ये दूसरा नोट RBI गवर्नर HVR आयंगर के सिग्नेचर के साथ जारी किया गया था। इस नोट के भी पीछे में दो हाथी बने हुए थे और 100 रुपीज़ 100 रुपये लिखे हुए थे। ये तीन नोट और ऐसे कई और नोट अपने बड़े साइज़ के वजह से फाफड़ा इशू के नाम से भी जाने गए। इनका साइज़ 171x107 mm का था। ये नोट 1957 से लेकर 1962 तक इशू किया जाता रहा। हमारा तीसरा नोट भी फाफड़ा इशू नोट है, जो कि RBI गवर्नर PC भट्टाचार्य के सिग्नेचर के साथ में जारी किया गया था। साइज में ये भी 171x107 mm का था। ये 100 रुपये का नोट 1962 से लेकर 1967, यानी 1962 से लेकर 1967 तक इशू किया जाता रहा। इस नोट की खासियत यह थी कि पिछले भाग में दो हाथियों के बजाय हीराकुड डैम की तस्वीर बनी हुई थी। ये तीनों नोट और इन जैसे जो फाफड़ा नोट थे, वो 16 जनवरी 1978 यानी 16 जनवरी 1978 को डीमोनेटाइज कर दिया गया। ये नोट 1967 यानी 1967 से लेकर 1970 तक इशू किया जाता रहा। ये नोट डायमंड इशू के नाम से जाना गया। इन नोटों को RBI गवर्नर LK झा, लक्ष्मीकांत झा के सिग्नेचर्स के साथ में इशू किया गया था। सामने की ओर 100 रुपये लिखे हुए थे, बाईं की ओर वाटरमार्क का जगह था जहां पे अशोक स्तंभ बना हुआ था, दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ की तस्वीर और नोट के पिछले भाग में हीराकुड डैम की तस्वीर बनी हुई थी। जो अगला 100 रुपये का बैंक नोट था, वो 1969 यानी 1969 से लेकर 1970 तक इशू किया जाता रहा। ये नोट भी RBI गवर्नर LK झा के सिग्नेचर्स के साथ में इशू किए गए थे। सामने की ओर 100 रुपया लिखा हुआ था। नोट के बाईं तरफ एक वाइट स्ट्रिप हुआ करती थी जहां पे अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था, दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ था। और चूंकि ये नोट महात्मा गांधी की बर्थ सेंटेनरी यानी महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में इशू किया गया था, नोट के पिछले भाग में महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी। अगला 100 रुपये का नोट 1970 से लेकर 1982 यानी 1970 से लेकर 1982 तक जारी किया जाता रहा। इन नोटों पर अलग अलग समय पर अलग अलग RBI गवर्नर्स के सिग्नेचर हुआ करते थे। मेरे पास जो नोट है वो S जगन्नाथन के सिग्नेचर का है। नोट के अगले भाग में एक वाइट स्ट्रिप हुआ करता था जिसमें अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था और दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में हीराकुड डैम की तस्वीर बनी हुई थी। ये तीनों ही नोट एक ही साइज़ के थे, 155x73 mm, और ये नोट
अभी तक डीमोनेटाइज नहीं किए गए। हालांकि ये नोट बाज़ार में अब नहीं दिखते हैं, पर अगर ये नोट आपके पास में अभी हैं तो ये भी लीगल टेंडर है। मेरे कलेक्शन के अगले दो 100 रुपए के नोट का साइज़ भी अभी दिखाए गए पिछले तीन 100 रुपए के नोट जैसा ही था। ये साइज़ में 155x73 mm के थे। ये नोट 1977 से लेकर 1997 यानी 1977 से लेकर 1997 तक इशू किया जाता रहा। ये मल्टी कलर नोट था और अलग अलग समय में अलग अलग RBI गवर्नरों ने इस नोट को जारी किया था। मेरे पास जो नोट है वो सी रंगराजन के सिग्नेचर के साथ में है। नोट की बाएं साइड में एक गोलाकार वाटरमार्क की जगह बनी हुई थी जिसमें अशोक स्तंभ का वाटरमार्क था और दाहिनी तरफ अशोक स्तंभ की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में भारतीय कृषि को दर्शाया गया था। जो हमारा अगला 100 रुपये का नोट है वो भी पिछले 100 रुपये का नोट जैसा ही था, पर ये नोट कोबाल्ट ब्लू के रंग में इशू किया गया था। मेरे पास जो नोट है वो RBI गवर्नर RN मल्होत्रा के सिग्नेचर के साथ में है। इस नोट के भी पीछे में भारतीय कृषि को दर्शाया गया था। ये दोनों नोट डीमोनेटाइज नहीं किए गए हैं, तो अगर आपके पास में ये नोट हैं तो वो भी भारत में लीगल टेंडर है। अगले दो 100 रुपए के नोट पिछले पांच 100 रुपए के नोट तो जैसा ही साइज में था। ये साइज में 155x73 mm का था। ये जो पहला नोट है वो 1996 से लेकर 2012 तक इशू किया जाता रहा, 1996 से लेकर 2012 तक। ये 100 रुपए का नोट अलग अलग समय में अलग अलग RBI गवर्नरों ने जारी किया था। इस नोट के सामने में बाईं तरफ वाटरमार्क के लिए जगह था जिसमें महात्मा गांधी का वाटरमार्क बनाया गया था और दाहिनी तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी। नोट के पिछले भाग में माउंट कंचनजंगा को दिखाया गया था। यही नोट 2011 से लेकर 2018 तक इशू किया जाता रहा और पिछले नोट की तुलना में इस नोट में सिर्फ एक ही चीज़ अलग था, जो कि रुपी सिंबल था। ये रुपी सिंबल साल 2010 में इशू किया गया था। साल 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद जो 100 रुपये का नोट इशू किया गया था वो यह था। इस नोट में बाई के बजाय दाहिनी तरफ वाटरमार्क के लिए जगह दी गई थी और बाई तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी। ये नोट RBI गवर्नर उर्जित पटेल के सिग्नेचर के साथ इशू किया गया था। बाद में ये नोट RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के सिग्नेचर के साथ में भी इशू किया गया था। ये नोट इससे पहले इशू किया गया 100 रुपये के नोट से छोटा था। ये नोट साइज में 142x65 mm का था और ये 2018 से लेकर अभी तक इशू किया जाता रहा है। नोट के पिछले भाग में रानी की वाव की तस्वीर बनी हुई थी जो कि गुजरात में है, स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर बनी हुई थी और नोट के इशू किए गए वर्ष को लिखा गया था। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखी है जहां से आपको अब तक के RBI गवर्नर्स और उनके टेन्योर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।